अगर आप आज ट्रेन से यात्रा करने वाले थे या यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये खबर सुनकर आपको जरूर झटका लग सकता है। भारतीय रेलवे ने आज सुबह करीब 7 बजे तक के अपडेट के मुताबिक करीब 400 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने 395 ट्रेनों को रद्द किया है, उसमें से 357 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल हैं और 38 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। रेलवे ने इसके लिए लिस्ट भी जारी की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे डेवलपमेंट काम करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं तो कुछ ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट भी करने पड़ते हैं। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे प्रभावित ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrailway.gov.in/mnts के जरिए पहले ही यात्रियों को दे देता है। जिनको जानकारी चाहिए वो इस वेबसाइट पर बखूबी देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो वहीं भारतीय रेलवे के सुबह करीब 7 बजे तक के अपडेट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 395 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें से 357 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल हैं और 38 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrailway.gov.in के मुताबिक 19 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जबकि रेलवे ने 35 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया है। इन ट्रेनों में दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों की पैसेंजर ट्रेनें और स्पेशल गाड़ियां भी शामिल हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप घर से निकल गए हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि घर से निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक करके निकलें, जिस गाड़ी में आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल है या रीशेड्यूल तो नहीं है। सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी तमाम अपडेट्स ले सकते हैं। आपको बता दें कि आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे यात्रियों को तमाम जानकारियां हासिल हो जाती हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रेन रद्द हुई है। तो वहीं इसके अलावा NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डाइवर्ट्स और रीशेड्यूल की पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कैसे लें। सबसे पहले आप inquiry.indianrail.gov.in/mnts पर जाएं। इसके बाद कैप्चा भरें और एक्सेप्शनल ट्रेन ऑप्शंस पर क्लिक करें। यहां रद्द, रीशेड्यूल और डाइवर्ट रूट का ऑप्शन दिखेगा। इन पर क्लिक करके आप रद्द और रीशेड्यूल और डाइवर्ट ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वहीं ट्रेन एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके आप ट्रेन के नाम और नंबर से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेन कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो ये थी आज की खबर जो भारतीय रेलवे ने जारी की है सुबह 7 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, कि उसने करीब 400 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।